Honorable Member, Shri Mulayam Singh. Sahu, I'll call you. He wants to go. Later. ये क्या बिगाड़ देते आप? हम बिगाड़ देते नहीं तो ये सामने में आ जाते ना। ये सही है, सामने में आ जाते हैं। बोलिए। थैंक यू। चलिए। धन्यवाद। At your service। ये दिस इज़ द मेन। हाँ, सभापति जी, जो जनप्रतिनिधित्व कानून संशोधन विधेयक लाया गया, इसके लिए कानून मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने जो अव्यवहार के निर्णयों पर पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद राजनीतिक दलों सर्वसम्मति इतना हुई है, खुशी की बात है। और इसलिए कि बहुत सारी बातें माननीय प्रिय रंजन दास मुंशी ने कह दी हैं, हम उन ज़्यादा तत्वों में सभापति जी नहीं जाना चाहते। मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि राजनीतिक के अपराधीकरण, ये हमारी आरंभ से ही राय रही है कि राजनीतिक के अपराधीकरण को राजनीतिक दल ही रोक सकते, कानून नहीं। और कानून के माध्यम से रोका जाएगा तो इसको दुरुपयोग होगा। बार बार हम इसको नहीं दोहराना चाहते हैं, इस कानून के बनने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये हमने पोर्टों के बारे में भी कहा था, संयुक्त अधिवेशन में भी कहा था, अभी उदाहरण दे दिया, लेकिन हम बार बार कहना चाहते हैं उसका दुरुपयोग हुआ। और बायको साहब ने कहा था कि जो इसका विरोध करने वाले हैं देश विरोधी हैं। सबसे पहले हमने कहा भी था कि आप पर सबसे पहले दुरुपयोग होगा और हुआ। इसी तरह से दुर्भाग्य से मारन साहब बीमार हैं, हम चाहते कामना है कि स्वस्थ जल्दी हो। उन्होंने सबसे पहले रासुका का समर्थन किया था और रासुका उन्हीं पर सबसे पहले दुरुपयोग हुआ था। तो कानून मंत्री जी, ये राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं, आपने अच्छा सोच समझ के किया है कि ये कभी खतरे की घंटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। इसे ये कानून आप लाए हैं, विधेयक लाए हैं, इसका हम समर्थन करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं। और ये जहाँ तक कि अपराधी का रोकने का सवाल है, जनता की निगाह में जो अपराधी है वो अपराधी है और सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि ये जनता की नज़रों में अपराधी है। तो हमें आपको उसको चुनाव में आने का या लोकसभा विधानसभा में आने का मौका नहीं देना चाहिए। और हम तो यहाँ तक राय समझते हैं कि अगर नहीं आप समझते कि हम गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, तो हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनकी सूची दे दो कि अपराधी प्रवृत्ति का हमको पता चला है, हम आपकी दे दें, उस पर विचार कर लीजिए। हम यहाँ तक बहस करने को तैयार हैं, लेकिन कानून के माध्यम से अपराधीकरण रोकना संभव नहीं है। उसमें जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको ही चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और वो हैं आपके, हमारी आपकी हालत हो जाएगी सभापति जी, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए भले लोग कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, दरोगा के पैर छुएंगे कि कृपा रखिए हम पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज न हो जाए। कोई गंभीर दो मुकदमे अगर दर्ज हो गए तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम कभी भी किसी भी अन्याय का खिलाफ, अन्याय के विरोध में नहीं लड़ सकते। जो हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका भी हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र आपकी पिटाई भी हो गई, और अगर ये ज़्यादा लड़ेंगे पुलिस के खिलाफ, कानून जैसा पहले आया था वही कानून रहेगा, तो फिर नाराज होकर के इनको चुनाव भी लड़ने दिया जाएगा। ये अच्छा काम किया। और पहली बार ये सरकार में जाने सद्बुद्धि क्यों आ गई, अपने खतरा समझ के आगे जाने कहता है, वरना तो बिना सोचे समझे कानून बनते थे। लेकिन कानून मंत्री ने
एक सोच समझ के काम किया और संशोधन लाए जिसका हम समर्थन पूरी तरह से करते हैं। तो हम फिर दोहराना चाहते हैं कि स्वतः समस्या हल हो जाएगी अगर राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दें। और हम अब देख रहे हैं सभापति जिनको हम अपराधी समझते हैं, विरोध करते हैं, उनको ही जो अभी मुंशी जी ने कहा था ये सही है कि उनको एक प्रदेश की सरकार उन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है और सारा का सारा प्रदेश जानता है कि अपराधी हैं। तो हमें और आपको अपराधी कर रोकने के लिए हमें आपको ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। तो स्वतः ही राजनीतिक अपराधीकरण रुक जाएगा, ये संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए, कानून के माध्यम से नहीं। अभी आज भी राजनीतिक व्यक्ति चाहे जैसा हो वो तो नहीं हम कहेंगे अपराधी के लिए, लेकिन जनता की सेवा सबसे ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक ही लोग करते हैं और ज़्यादा करते हैं। और कुछ लोग राजनीतिक ऐसे भी नेता हैं जो बिना स्वार्थ के बिना लोभ के भी जनता की सेवा करते हैं, लेकिन माननीय सभापति जी सबसे ज़्यादा आलोचना के पात्र वही होते हैं। वो आलोचना कौन करते हैं? जो नाम मात्र के राजनीतिक भी होते हैं, जन सेवा से उनका कोई भी कहीं भी सरोकार नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए हम लोगों पर अनावश्यक और गंभीर आरोप लगा करके अपना नाम छपाते हैं। और मीडिया में भी अगर हम लोग कोई सकारात्मक बात कहेंगे तो इतना नहीं छपेगा, जितना माफियाओं के बारे में कहानियां लिखी जाती हैं इतनी हमारे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी इस सदन के आदर्श सदस्य एन पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा, आर्टिकल लिखा जाएगा अपराधियों का। तो और सबसे ज़्यादा आलोचना के पात्र हम आप राजनीतिक लोग हैं। और ये कर्ता कौन दुर्भाग्य है, कर्ता कौन दुखद, जो सबसे दुखद पहलू है कि इस महम में राजनीतिक व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा आगे आते हैं, हम आप सभी आ जाते हैं। हमने कई बार सदन के अंदर कहा कि एक सांसद पर किसी पर अगर अन्याय हुआ है तो वो हमने परंपरा देखी, प्रिय रंजन दास मुंशी कहते हम लोग भी, हमारे माननीय रघुनाथ झा भी, हम लोग किनके माध्यम, आप स्वयं किनके नेतृत्व में हमने उन्हें राजनीति शुरू की थी, कौन हमारे आपके आदर्श थे, आचार्य जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये आदर्श थे हमारे, उनके नेतृत्व में छात्र जीवन में ही पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा कामकाज कम कर करके भी हम लोग संघर्ष करते थे, जेलों में जाते थे। और हमें अध्यक्ष महोदय सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 13 साल की उम्र में ही हमको जेल में जाना पड़ गया था, इतने प्रभावित हो गए थे, सिंचाई टैक्स बढ़ा दिया गया चले गए समाजवादी आंदोलन में, ये 13 साल तो वो अलग है कि मैं 28 घंटे की हमको सजा मिली, जितनी देर जेल में रहे औरों की 2 महीना की हुई, हमारी 28 घंटे की हुई, दूसरे दिन छोड़ दी गई। तो हम लोग भी एक आदर्श जो हमारे देश के लोग थे उनसे के विचारों से, उनके बयानों से, उनके कुछ समाचार पत्रों से पढ़ करके और अड़ोस पड़ोस के जो कुछ नेता थे उनके से प्रभावित होकर के जेल में आए थे, वह राजनीति में आए थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि माफियाओं को टिकट मिलेगा और सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे भी। इसलिए ये कानून, और आज हम कहना चाहते हैं कानून मंत्री जी और माननीय गृह प्रधानमंत्री जी, इन पर गृह मंत्रालय भी है, सबसे ज़्यादा नौकरशाह और दरोगा मदद करता है माफियाओं की, वो तो अच्छा रहा कि जो सोच समझ के कानून सुधार दिया, नहीं अच्छे लोग कानून अच्छे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित ही किया जाता। हम लोग जब जाते जांच पड़ताल होती पर्चे की, उसी रात को 2 संगीन केस हम लोग के लिख दिए जाते और उसी वक्त एतराज होता कि ये पर्चा खारिज किया जाए, इन पर संगीन केस 2 हैं। ये किसने सुझाव दिया, जिनका धरातल से कोई ज्ञान नहीं धरातल का, वो लोग तथा कथित बुद्धिजीवी जिनको दरोगाओं का अनुभव नहीं है, सबसे बड़ा दरोगा हो जाएगा ताकतवर। प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज आप इसलिए अध्यक्ष महोदय हम अब भी आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहते, आज जो कहा गया ये सही है,
चाहे कोई विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, फिर भी हम आज कहना चाहते हैं कि इस लगभग कितने 786 हैं संसद में, 786 में मुश्किल से 2% ऐसे हैं जिनकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन कभी सोचा है कि नौकरशाहों के बारे में सोचा है? कभी कुछ उद्योगपतियों के बारे में सोचा है? धन्ना सेठों के बारे में सोचा है? कितने प्रतिशत? एक मिनट, आपको कितना समय लगेगा और नहीं तो मैं चर्चा पहले लेना चाहता हूं और चर्चा के बाद तो बात 5-6-10 मिनट में खत्म कर देंगे, क्योंकि 4 बजे आप बताइए तो हम दो ही बात है क्या के खत्म करते हैं। आप बाद में भी हम तो सहमत हैं, समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी बाद में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन चर्चा तो मुझे लेनी पड़ेगी नियम के अनुसार। दूसरी चर्चा है 4 बजे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। ठीक है, जैसे आप चाहते हो। हम अपना 2 मिनट में भाषण खत्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कुछ नहीं, अब जब सर्वसम्मति से है हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ तथ्य सामने लाना चाहते जो व्यवहारिक हैं, ऐसे जो प्रभावित करते हैं, जिनका राजनीति से कोई सेवा से मतलब नहीं है, जिनको धरातल का ज्ञान नहीं है, तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, उनका एक समूह जाकर के कहीं कैदे जाके और कानून इस तरह का बन जाए, ये धारणा का धरातल से उनका कोई भी मतलब नहीं है, न उनको जानकारी है। हम लोग भोगते हैं कि राजनीति में क्या क्या हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि नौकरशाह ही हो चाहे उद्योग जगत हो, उनकी क्या स्थिति है, कभी इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। जो एक मिनट के लिए अपने स्वार्थ से अलग कोई काम नहीं करते हैं, उनके कहने से हम लोगों को गाली दी जाती है, उनकी नज़रों में उनके माध्यम से हम लोगों की आलोचना की जाती है राजनीतिक लोगों की। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, हमें सभी सांसद या हमारे माननीय सदस्यों को भी, राजनीतिक व्यक्तियों के इनके जाल में फंसने के से बचना चाहिए। हम अब कानून मंत्री जी, समाप्त समय हो गया 4 बजे, इसलिए और कुछ बातें नहीं बोलूँगा। ये 2 संशोधन बहुत आवश्यक है, ये इतने खतरनाक आपने शामिल कर दिए। सर्वदलीय जो बैठक में जो हमारे प्रतिनिधि गए थे, उसको मैंने सारा का सारा पता वो जो भी था जानकारी ले ली थी। ये 2 आपने जोड़ दिए अपनी तरफ से, मामूली जुर्माना हो जाए, केवल नाम मात्र का जुर्माना होने पर भी 6 वर्ष के लिए आयोग घोषित कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, खास तौर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत। हम माननीय अभी आई थी चर्चा, माननीय उप प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया गया, ठीक है, नैतिकता नाते कहा कि मैं इस सदन में नहीं जाऊंगा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने गलत फंसाया था उनको क्या सजा है? ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया था। एक बार हमको खर मिली कि माननीय उप प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए थे कि हमारे जैसे लोग पर वे इतना गंभीर आरोप हवाला का, और ये सही था कि हमें विश्वास नहीं था कि आप इसमें होंगे, ये सही है, मैं दिल से कह रहा हूँ। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है, तो इनकम टैक्स अधिकारी जरा भी नाराज हो जाएगा तो जुर्माना किसी पे कर देगा, हम लोग जान भी नहीं पाएंगे और वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और 6 साल के लिए हम लोग घोषित हो जाएंगे। ये किसने आपको राय दे दी? ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक और कर दिया, इसको नहीं आना चाहिए, इसको संशोधन करना चाहिए, इसको विधेयक से निकाल के अलग करना चाहिए। और मेरी राय में अगर ऐसे मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तभी अयोग्य माना जाए, ऐसा पहले था। और कोई इनकम टैक्स अधिकारी नाराज, मैंने बता दिया कि स्त्री भी सोच से अधिक आय का आरोप लगाकर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन बर्बाद कर सकता है, इसलिए इससे गंभीरता से विचार करके इस संशोधन के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। और कानून मंत्री जी आपको धन्यवाद देते हैं, कृपा करके इसको निकाल दीजिए, ये तो इतना खतरनाक आपने और जोड़ के ले आए, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी ये तो इसमें नहीं था, ये तो ये था कि 2 साल से अधिक ये सभी पूरे दल के दल। और मुझे खुशी है कि प्रणब मुखर्जी ने जो ड्राफ्ट बना के दिया था वो तय हो गया था, उसमें ये कहाँ से जोड़ दिया गया? और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जब सर्वदलीय बैठक हो गई उसमें सारा निर्णय हो चुका है, तो उसमें वाद विवाद और बहस और ये नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे ने जो धन्यवाद जो कहने मुझे मौका दिया थोड़े ही शब्दों में, लेकिन ये सही है कि धर्मपेक्षता का स्वरूप है हमारे संविधान का, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो धर्मपेक्षता को समूह नष्ट करना चाहते उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, सदन में आना चाहिए, ये भी हम चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद।